मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश मोर्चा। मैं विधानसभा के राकस से हूँ, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह युद्ध विघट का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। जो आपने यहाँ आपने अब ये पद यात्रा निकाला है, इस पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस पद यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को ठगा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलकर, झूठा वादा करके इस देश को ठगने का काम कर रहा किए हैं, उसी को हम लोग यात्रा के माध्यम से किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को, महिलाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। इस यात्रा का यही महत्व है कि हम गांव, गली, देश प्रदेश में जाकर लोगों को जगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे सन 2024 में। यह पद यात्रा कितने दिन तक चलेगी? अभी यह पद यात्रा देखिए, अभी हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है और केंद्रीय सम्मेलन 28 तारीख 29 तारीख को। अब यह पद यात्रा जो है जनपद जौनपुर में, जो है कि आज 17वीं विधानसभा है, 2 विधानसभा और बाकी है, इसके बाद फिर 2 तारीख से यह पद यात्रा लगातार अनिश्चित काल के लिए चालू रहेगी। तो बीजेपी पार्टी की कुछ खुलासाओं की बात है अभी नेताजी, बीजेपी पार्टी देखिए, बीजेपी पार्टी ने विधानसभा कहा कि कुछ खुलासा, अरे उस खुलासा का कुछ उद्देश्य बताएंगे, उसका क्या मतलब है? उद्देश्य यही है कि देखिए, उद्देश्य यही है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब बड़े बड़े मंचों से कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप पूछिए नौजवान, देखिए लाल टोपी लगाकर रोड पे उतरा है, लेकिन एक भी नौजवान को नौकरी तक नहीं मिली। और नौजवान आज कमाने खाने के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है। दूसरी बात, 15 लाख देने का वादा किए थे, आप पूछ लीजिए जाकर किसी के खाते में आज तक 15 लाख आया नहीं। मैं तो धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देना चाहता हूँ कि जो ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना देने का काम किया था और 108 नंबर एम्बुलेंस चलाकर गरीब गाँव की जनता का भला करने का काम किया था। UP 100 गाँव गली में झगड़ा होता था तो 15 से 20 मिनट में पहुंचती थी। और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदलने का काम जानती है और इसके अलावा कुछ जानती नहीं है। सीधे सीधे ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं और हम लोग अब लोगों को जगाने और सतर्क करने का समय हम आ गया और हम लोग लगे हैं सतर्क करने के लिए। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद महोदय जी। ब्यूरो रिपोर्ट, संतोष कुमार, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक शेख यादव जी, जो गाजीपुर से 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर निकाल करके लेके चले हैं जी, आज यात्रा का 47वां दिन है जी, जो महाराजगंज बदलापुर की विधानसभा महाराजगंज में पहुंची। तो आज का आपका मीटिंग का उद्देश्य जो है, इसके किस प्रगति पे पहुंची है? वो इस प्रगति पे पहुंची है कि जनता को देश और प्रदेश की सरकार गुमराह कर रही है, जनता अपने को ठगी का शिकार महसूस कर रही है, इसलिए मान रही है कि जो कहा गया उसे किया नहीं गया। आज प्रदेश में भी अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ था, जनता ने तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दिया था, लेकिन सिस्टम ने भाजपा की सरकार बनवा दिया और इसलिए बनवा दिया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बैठी हुई है और आमने सामने फिर चुनाव आ रहा है। जनता से वादा देश की सरकार ने किया था, उसके प्रधानमंत्री ने किया था कि हमको जिता दीजिए, हमको बैठा दीजिए, 15-15 लाख रुपया आपके खाते में हम जमा कर देंगे, विदेशी काला धन मंगाएंगे, लेकिन आज तक काला धन नहीं आया, किसानों की आमदनी को दुगुना कर देंगे ये नहीं किया गया, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे वो नहीं किया गया, इसलिए मौजूदा समय में सरकारें लोगों को उलझा करके 5 किलो के राशन पे और तरह तरह का प्रलोभन दे करके जनता को ठगी का शिकार बनाना चाहती हैं, इसलिए ये जन जागरण यात्रा निकल करके गांव के खेत खलिहान से होते हुए ये 47वें दिन आज महाराजगंज में पहुंची। आपकी यात्रा कहां तक एंड होने वाली है? हमारी यात्रा ये तब तक चलेगी जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, इसलिए कि जनता को ठगा जा रहा है। लक्ष्य के बारे में श्रीमान जी बताएं जी, लक्ष्य के बारे में बताएं। लक्ष्य के बारे में यही है कि हमारे जनपद में यह यात्रा लगभग 2 तारीख को समाप्त होगी, बीच में मेरा सम्मेलन है राष्ट्रीय और प्रांतीय, उस सम्मेलन की वजह से यात्रा स्थगित की जाएगी और ऐसी दशा में 2 तारीख को यहां से यात्रा आगे जाकर भदोही में जनपद में पहुंचेगी।